नमस्कार दोस्तों, मैं सपना मुकेश देसी ढाबा में आप सभी का खूब स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको घर में स्टोर की हुई मलाई से व्हिप क्रीम कैसे बनाना है ये बताएंगे। इस क्रीम से हम आइसक्रीम बना सकते हैं, केक में आइसिंग कर सकते हैं, सब्जी वगैरह में जो क्रीम यूज करते हैं इस क्रीम को काम में ले सकते हैं। दोस्तों हम देखेंगे कि हमें मलाई कैसे स्टोर करना है। तो सबसे पहले हमने मलाई को निकाल लेना है और मलाई के साथ जो गाढ़ा दूध आता है उसे भी हमें बर्तन में ले लेना है। तो ये हमारी आज पाँचवें दिन की मलाई है जो हम आपको स्टोर करना बता रहे हैं। इसी प्रकार से हमने पहले दूसरे और तीसरे चौथे दिन की मलाई को भी स्टोर किया था फ्रीजर में। मलाई के साथ दूध जो लिया था तो मलाई और दूध को दोनों को हमने हर दिन हल्के हाथों से फेंट लिया था, जैसा कि अभी हम आपको फेंटना बता रहे हैं। मलाई को हम 1 से 2 घंटे के लिए रूम टेम्परेचर में रख देंगे। हम इसको एक बर्तन में छन्नी लगाकर मलाई से क्रीम बनाएंगे। इसको हम धीरे धीरे छानते रहेंगे फेंटते हुए। नीचे नीचे हमारी क्रीम आ जाएगी और ऊपर ऊपर जो मलाई रह जाएगी उसका हम घी बना लेंगे और नीचे जो क्रीम निकलेगी उसको हम हल्के हाथों से फेंट लेंगे तो एक हमारी अच्छी सॉफ्ट क्रीम तैयार हो जाएगी। देखिए कितनी अच्छी और स्मूथ क्रीम दिख रही है। और आज हमने आपको इतने आसान तरीके से मलाई से क्रीम बनाना बताया है। यदि आपको मेरी मलाई से क्रीम बनाने की वीडियो अच्छी लगती है तो आप मेरी वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और मैं एक नई वीडियो के साथ दोस्तों फिर मिलूँगी। नमस्ते।